So yes, is industry mein how did you come? Like how did I shock ta? Mashallah, you're kitne ban bhai? Panch. Panch. Yes. Wow. Ye yes. Toh hum panch wala ghar chal raha hoga. अच्छा मुझे शौक था एक्टिंग का, ऐसा नहीं कि मुझे शौक नहीं था। आप सबसे छोटी हैं? सबसे छोटी। सबसे छोटी। सबसे छोटी। ओके। तो मुझे एक्टिंग का हमेशा से शौक था और मेरा कभी मेरी बहन होस्टिंग करती थी ओके एट कुकिंग शो चैनल, तो मुझे था कि मुझे बस बनना है ना, या तो मुझे होस्टिंग करनी है, मुझे होस्टिंग का शुरू में बिकॉज डीजेस वगैरह पहले बहुत ज्यादा इन था। हाँ, राइट यस, वो जो एक जमाना था yes. जब शोज होते थे, जब कॉल पर लोग गाने सुनते थे, यू नो yes. इनके लिए जरा गाना लगवाना तो प्लीज तो वो मुझे शौक था कि अपना एक सेट होना चाहिए, शो होना चाहिए, मुझे बड़ा शौक था कि मैं करूँ। लेकिन वो कुछ प्रोड्यूसर्स ने बोला तुम बहुत छोटी हो, तुम तो नहीं कर सकती। छोटी इन व्हाट वे? लाइक मैं छोटी थी ना एज में, लाइक आई डोंट नो, मुझे लगता है 15 16 होंगी मुझे। ओके 15 16 हां तो वो मैं तो सब आए। हाँ बट मे बी मैं उस टाइम एज के हिसाब से और छोटी लगती हूँ शायद। या सो फिर उसके बाद देयर वाज दिस टैलेंट एजेंसी जो लॉन्च हुई थी क्यू टैलेंट्स, ओके तो मैंने उनके साथ उनका प्रोमो शूट किया था एंड देन दे एक्चुअली गेव मी द फर्स्ट ड्रामा फॉर ARY लराची एंटरटेनमेंट हुआ करता था एंड देन उसके बाद आई केप्ट ऑन वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। तो घर में नो वन एक्सेप्ट फ्रॉम योर सिस्टर, नो वन फ्रॉम शोबिज? No, my sister just did act like hosting for a year and then she got married aur wo chali gayi America. Okay. So acting kisi ne nahi kiya. Acting kisi ne nahi kiya. Except for me. Kabhi aisa hua hai ki ghar mein bahut dukhi ho rahe ho ya tum baithe ho ya actually gussa aaya aur samne wale bole ye tumhare drama ka set nahi hai? Kabhi aisa hua hai? Acha kabhi muh latka kar baithi bhi ho? Acha kabhi ya bahut zyada role mein baithi bhi ho tum? Ye hota hai. कभी कभी ना आए, कभी कभी माय हस्बैंड उमर हम लोग बैठे होते हैं, बोलते हैं इसको कहीं एक्टिंग करने को नहीं मिल रही तो मेरे साथ एक्टिंग कर रही है। मैं ड्रामे का सेट नहीं हूँ, मत करो। अल्लाह रियली दैट्स प्रीटी सैड, मीन ब्रो मीन, पर इट्स ओके, इतना तो नॉक जोक चलता है। तो लव मैरिज अरेंज? लव। कैसे प्यार हुआ? कैसे प्यार हुआ? अब मुझे लगता है पर्सनैलिटी, आई एम मोर इन टू आई एम अ पर्सनैलिटी पर्सन, तो मैंने तो पहले देखा कि जो मेरी पर्सनैलिटी से मैच कर सके, बहुत काम बंदा हो, कोई जिंदगी में टेंशन ना हो उसको, एंड यू नो कोई, बिकॉज ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो तो फिर थिंग्स डोंट वर्क आउट। तो मैंने कोई 3-4 साल लगाए आराम से अंडरस्टैंडिंग करने में। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद उमर को बोला ओके फाइन, यू नो वी कैन गेट मैरिड, एंड देन उसके बाद फिर साल बाद हमने घर वालों को बताया, फिर हम वेट कर रहे थे वो ग्रेजुएट हो जाए। ओह क्योंकि इतना इंतजार, कितने सालों का इंतजार है ये? तो 8 साल। अल्लाह वो ग्रेजुएट हुआ फिर हम इंतजार कर रहे थे जॉब हो जाए, जब जॉब हुई तो कोविड आ गया, उसके बाद हमने बोला कोविड में कर लेते हैं हम। ओके दैट्स ग्रेट, शुक्र यार, मतलब ये तो हम सुनकर हम टेंशन में हो गए कि यार ये क्या बात है। So when did you guys first meet? हम लोग शादी पे मिले थे। किसकी? मेरे स्कूल में ना मेरे सीनियर्स होते थे तो उनकी बहन की शादी थी, तो वैसे ही मेरी बहन की ज़्यादा दोस्ती थी उनसे, तो मैं भी अभी चली गई कि चलो हम भी डांस वांस कर लेंगे, तो वी एक्चुअली डांस टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन हमारी बात ही नहीं हुई उस टाइम। मैं हमने ना एक दूसरे को फेसबुक पे ऐड किया, फेसबुक पे ऐड करके ना हमने फुल चैट ऐड किए, फुल चैटिंग चल रही थी। फिर से आ रहा हूं, कुछ नहीं होगा अब, लाइट गेट योर सेल्फ रेडी फॉर दिस फाइट, खुश रहो पाकिस्तान कमिंग बैक। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।